दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 10 PM की शो में एक और आफत के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है हीट वेव। दोस्तों आपने समाचार में और ज़्यादा जगहों पे दोस्तों इसमें सुन रखा है कि हीट वेव नाम की कोई चीज़ है जो बहुत बड़ी आफत है। और ये आफत क्या है मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले इस आफत को लेकर कई सारे ऐसे सवाल पैदा होते मन में जिनके उत्तर हमें जल्दी नहीं मिलते। इससे पहला सवाल, अचानक से इतनी गर्मी क्यों पड़ गई? सर आप तो यहाँ हीट वेव के बारे में पढ़ा रहे हैं। अरे एक मिनट रुको तो सही, हीट वेव का संबंध दोस्तों इसी गर्मी से। अच्छा आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों कि आज से 4-5-10 साल पहले हम लोग दोपहर में क्रिकेट खेला करते थे, अलग अलग तरीके के खेल खेला करते थे इसी दोपहर की गर्मी में, लेकिन तब तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी। फिर आज अचानक से इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई? और सोचो कि अभी इतनी गर्मी है तो आने वाले 10-20-30-50 सालों में क्या होने वाला, आप कल्पना करके देख लो। हमें लगता है कि अब दोस्तों साथ में लोग एसी कूलर नहीं, कोई एसी वाला कपड़ा आ जाएगा, तब तक उसमें क्या होगा, कोई रिमोट लगा होगा और बटन से दोस्तों अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हम वहां अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर पाएंगे। संभवतः ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, और अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ भी जाती है तो जान जाओ हम और भी गर्त में ही जाएंगे, इससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटता है। सर आपके कहने का क्या मतलब, इस हीट वेव के जिम्मेदार हम स्वयं हैं? जी हाँ, हम ही लोग हैं। हम जैसा करते हैं वैसा प्रकृति हमारे साथ करती है, ठीक है। तो दोस्तों अचानक से गर्मी क्यों बढ़ गई, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको बहुत कम शब्दों में दूंगा, बहुत कम समय में भी दूंगा, ठीक है। हीट वेव नई आफत क्या है, हीट वेव कैसे बनती है, हीट वेव की पहचान कैसे होती है, हीट वेव से को लोग मर जाते हैं ऐसा, मतलब सब कुछ एक तरह से इसके बारे में आप समझ पाएंगे अगर मुझे आप 10-15 मिनट का समय दे दें तो, ठीक है। चलिए आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बातचीत करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, एक सवाल जो है स्क्रीन पर है कि क्या होती है हीट वेव, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं हीट वेव दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है हीट, दूसरा शब्द है वेव। हीट का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं कि गर्मी। वेव का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेव का मतलब होता है तरंग या धारा, ठीक है। यानी कोई गर्म टाइप की दोस्तों कोई तरंग है या गर्म टाइप की कोई धारा है, उसी को शायद ये हीट वेव का नाम दिया जा रहा है। सर इस तरह की गर्म तरंगे तो वैसे भी गर्मी में चलती है, पुराने समय में लू चलता था, ठीक है। तो सर क्या वही लू है क्या? जी हाँ, आप कह सकते हैं देसी आदमी विदेशी बोल, ठीक है, वही वाली बात है जिसे हम लू कहते थे, ये वही है दोस्तों, बस ये थोड़ा सा अंग्रेज बनकर हमारे सामने आ गया है जिसे हम हीट वेव के नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों अब आपके दिमाग में, अरे सर हमने बहुत सुना लू के बारे में, चलो वीडियो बंद करो वापस चलते हैं। नहीं 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 नहीं, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। देखिए कोई आदमी जब घूम टहल के आता है ना और उसका दोस्तों नया रूप सामने आ रहा है, ये वो वाला लू नहीं है। वो लू तो तब भी चलती थी और तब भी हम दोस्तों गेम खेलते थे, मैच खेलते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, लेकिन ये हमारा ये लू जो है ये हमारा कुछ बना बिगाड़ नहीं पाती थी, ठीक है। या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान नहीं थे। आज के तो हालात अलग हैं, आज आपके पास हिम्मत है आप खेल सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो इसका इंग्लिश रूप आज हमारे सामने आया हीट वेव, ये वाकई में हीट वेव है और ये आपकी जान लेके छोड़ेगी, ठीक है। तो जान जाइए इसके बारे में, छोड़िए मत, 10 मिनट रुकिएगा तो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लू को ही दोस्तों हीट वेव कहते हैं, लेकिन तब से अब में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन क्या हुआ है पहले वो समझना जरूरी है, तब जो है आप आगे की चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो लू को ही हमने हीट वेव कह दिया। दोस्तों मौसम विभाग की बात करते हैं। देखिए जब आप कोई तथ्य पढ़िए ना, तो पढ़ने जानने के साथ साथ आप भी जानिए कि भाई उसे किसने कहा है, ठीक है, ताकि आप जो है वैज्ञानिक तरीके से उसकी पुष्टि कर पाए। तो मौसम विभाग कहता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जब सामान्य की अपेक्षा टेंपरेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, ठीक है, मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष का जो टेंपरेचर था दोस्तों ये 35 डिग्री था या 40 डिग्री था या 45 डिग्री था, लेकिन अचानक से उसके टेंपरेचर में बहुत बड़ा चेंज देखा जाए, अचानक 25 से 45 हो जाए, अरे सर तो आफत आ जाएगी। तो दोस्तों जब कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखा जाता है, चेंजेस में क्या कम नहीं टेम्परेचर बढ़ जाए, जब बढ़ जाता दोस्तों इसी को हीट वेव कहते हैं, इसी को लू कहते हैं। एक प्रॉब्लम दोस्तों आप याद रखिएगा, इस लू में दोस्तों आर्द्रता जो होती है ये ज़्यादा हो जाती है और जो हवाएँ होती हैं ये बहुत तेज़ी से गर्म होती हैं, ये इसका बेस है, बेस आधार, इसके बिना लू की या हीट वेव की कोई औकात नहीं है। तो दो बातें हैं दोस्तों आप याद रखिएगा, पहली बात क्या है, आर्द्रता इसमें ज्यादा होती है। आर्द्रता तो सर नमी को कहते हैं, नमी का मतलब है जो हमारा वायुमंडल है, जो हमें वायु दिख रहा है, हर समय इस वायु में नमी है, बशर्ते वो हमें हमारी आंख से दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो दोस्तों ये ज्यादा नमी हो जाती है और ऊपर से दोस्तों यहां तेज गर्म हवाएं होती हैं। सर ये तो उल्टा कॉम्बिनेशन है,
हमने तो सुना है, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए दोस्तों आपने एक पतीला लिया, इसमें पानी भर दिया, पानी भर के दोस्तों इसके नीचे क्या कर दिया, आग लगा दिया, ठीक है। ये पतीला दोस्तों गर्म होने लगा, गर्म होने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये तो पानी दोस्तों वाष्पीकृत हो जाएगा, ये तो पानी क्या हो जाएगा, ये पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी वाष्प बनकर दोस्तों हवा में उड़ जाएगा। तो सर एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई चीज गर्म है तो कैसे वहां पर आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी, आर्द्रता तो हट जानी चाहिए भाई। अगर गर्मी हो, आप समझिए ना, अगर कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा हो, मैं अगर कहूं कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा हो, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से दोस्तों मौसम क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है ना। हमने तो यही पढ़ा है कि मौसम जो है शुष्क हो जाता है, वायुमंडल क्या हो जाता है दोस्तों, वहां शुष्कता होती है, ठीक है, वहां नमी होता ही नहीं है। अरे यार यही तो बवाल है, क्या बताएं, ये जो आफत हमने नाम दिया, ये आफत यही है कि जो चीजें हमने देखा था, जो वैज्ञानिक रूप से दोस्तों सत्य होते हैं, ये उसी का दोस्तों अपवाद है, तभी तो सबकी जान चली जा रही है। अगर दोस्तों टेम्परेचर देखो, गर्मी से दिक्कत नहीं है, अरे 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 45 हो जाए, 50 हो जाए, फिर भी आदमी जी ले, लेकिन दोस्तों जब कभी ये तेज गर्म हवा भी हो, साथ में आर्द्रता भी ज्यादा हो, संकट तब खड़ा हो जाता है। सर ये तो मतलब पूरा का साइंस जो है उसका उधेड़बुन कर दिया है। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, रुक के मेरी बात सुनो, ठीक है, या बात समझो ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो शुष्क होना चाहिए वायुमंडल, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, आर्द्रता ज्यादा होती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है जरा ये समझते हैं, ठीक है। उसके पहले पहले आप ये जान जाइए दोस्तों कि कब हम मानते हैं कि कोई क्षेत्र हीट वेव से प्रभावित है, पहले वो समझ जाए। तो इसके बारे में दो तीन लाइन में चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। हीट वेव की पहचान कैसे होती है ये समझिएगा। तो मौसम विभाग आता है, तीन तरह के मामले होते हैं, या तो लू होता है, या तो लू क्षेत्र होता है, या गंभीर लू होता है, ठीक है, डेंजर वाला, ठीक है। अब लू में क्या होता है दोस्तों, लू का मतलब क्या हो गया, लू का मतलब ही हो गया दोस्तों हीट वेव की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है, यही क्या दोस्तों, मैं हीट वेव की बात कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा मैदानी क्षेत्रों में जब कभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं लू चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों, हम कहते हैं हीट वेव का दौर आ गया। टेम्परेचर जैसे जैसे ही 40 क्रॉस करता है मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में 30, ठीक है, तब दोस्तों मान लेते हैं कि बस अब गर्मी वाला मौसम आ गया और ये लू चलना शुरू हो गया। एक सवाल, दूसरा सवाल, लू क्षेत्र कब होता है, जब ये टेम्परेचर बढ़कर दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है, तब हम कहते हैं अब लू नहीं चल रही है, लू रुक गई आकर, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष में रुक गई। अगर चली गई होती तो आगे चली गई होती ना, ठीक है। अरे भाई प्रभावित करके आगे बढ़ती, किसी दूसरे को प्रभावित करती, लेकिन ये क्या, ये तो किसी क्षेत्र विशेष में रुक सी गई है, इसीलिए तो उसे लू क्षेत्र कहा गया। और डेंजर में क्या होगा, डेंजर में होता है दोस्तों कि टेम्परेचर ये 47 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। कितना, 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तब उसे हम गंभीर लू कहते हैं, और ऐसे में किसी की जान चली जाती है, ठीक है, ऐसे नहीं हजारों लोगों की जान चली जाती है। अब आप कहानी आगे समझिए, देखिए यहां एक दोस्तों एक पैमाना दिख रहा होगा, ये फारेनहाइट में पैमाना है, ठीक है, ये 32 डिग्री फारेनहाइट की बात करा तो ये कोल्ड होता है, ठीक है, उसी तरह से 40 डिग्री फारेनहाइट होता है तो कूल होता है, 60 पे वार माना जाता है, और ये कंडीशन जो लू वाली हार्ट में आती है, ठीक है, वहां गर्म वाली बात नहीं रह जाती, अब वो क्या हो जाती है दोस्तों, हॉट वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ये तो पहचान का तरीका होता है। एक छोटा सा पहचान और याद रखेगा, मैदानी इलाकों में मैंने कहा कि 40 डिग्री या उससे ज्यादा, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री या उससे ज्यादा, लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और याद रखें, लू वाले में एक कंडीशन और लगा दिया गया कि खाली टेम्परेचर बढ़ने से यह नहीं मान लिया जाएगा कि लू चल रहा है। भाई टेम्परेचर हम कह रहे हैं शहरी क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो शहरी क्षेत्रों में तो लू चलता नहीं है, ठीक है। अब लू चलने के लिए दोस्तों एक जो विशेषता और है जरा वो समझिएगा, ये एक शब्द दिया दोस्तों तो विचलन, हम कहते हैं ना ऐसा कठिन शब्द पढ़ने का जरूरत है, आप समझिए विचलन का मतलब होता है परिवर्तन। विचलन को हम कैसे समझेंगे, परिवर्तन या चेंजेस से, ठीक है। होता क्या दोस्तों, यहां लिख रहा है कि जब चेंजेस 4.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4, मतलब 4.5 से लगभग 6.5, इसको हम क्या मान लें दोस्तों, इसको हम मान लें कि 4.5 से लेकर के 6.5 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस बन रहा है, ये विचलन बन रहा है, तब दोस्तों ये मान लिया जाता है कि हाँ उस क्षेत्र में लू चल रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लो दोस्तों आप तो जानते हैं कि दिन में दोस्तों सूरज बाबा रहते हैं, और सूरज बाबा रहेंगे तो दोस्तों और गर्मी बढ़ेगी, ठंडी तो होगी नहीं, ठंडा
मामला कब आता है दोस्तों? जब चांद की बात आती है। रात में जब चांद आ जाता है तब दोस्तों टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? धीरे धीरे डाउन होता है, लेकिन जैसे दिन रहता है टेम्परेचर दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस मान लीजिए, यहां पर टेम्परेचर है दोस्तों 43 डिग्री सेल्सियस और यहां पर टेम्परेचर हो जा रहा है दोस्तों मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जा रहा है? 37 डिग्री। तो डिफरेंस कितना बन रहा है? यहां 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बन रहा है। तो आपने पढ़ा कि 6.5 से 4.5 से 6.5 का अगर डिफरेंस आ जाए तब जान लो वो लू वाले केस में आता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता, अगर अगर ये डिफरेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए हो सकता है कि दिन में टेम्परेचर 43 है, रात को टेम्परेचर 41 हो, 42 हो, थोड़ा कम हो, ठीक है, तब दोस्तों लू वाले केस में नहीं आएगा। अब ये वाला जो टेम्परेचर होता है, जब इतना डिफरेंस आ जाता है ना, तो आपकी शरीर की हालत खराब। ठीक है, अरे यार घर में फ्रीज रखा है, उसमें रेगुलेटर लगा है, हम जितना चाहें उतना ठंडा और गर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में एसी का रिमोट होता है, इसमें बटन दिया है, कब बढ़ाना कब घटाना सब हमारे हाथ में है। आपके घर में कूलर है, उसमें भी दोस्तों रेगुलेटर है, घर में फैन है, उसमें भी रेगुलेटर है। ये शरीरवा में कोई रेगुलेटर नहीं है, यही समस्या है। ये बॉडी में कोई रेगुलेटर नहीं है कि इसको जितना चाहे उतना ठंडा, जितना चाहे उतना गर्म कर ले। अब शरीर हो जाता है कंफ्यूज, सोचता है कि कभी ये 43 डिग्री चला जा रहा है, कभी ये 37 डिग्री आ जा रहा है, कभी 35 आ जा रहा है। हम अपने आप को ठंडा रखें कि हम अपने आप को गर्म रखें, और इसी परेशानी में दोस्तों क्या हो जाती तबीयत खराब। एकदम आप आसान भाषा में समझिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, जरा वो ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों अगला सवाल ये है, एक चीज और इसके पहचान में, अभी हमने दो क्षेत्र की बात किया, एक मैदानी क्षेत्र की, एक पहाड़ी क्षेत्र की। अब जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो नाराज हो गए, ठीक है, अरे सर हम आपके लगते ही कौन है। अरे नहीं भैया, आप भी अपने बारे में जान जाइए। अगर मैं तटीय क्षेत्रों की बात करूं तो उसके बारे में दोस्तों याद रखिएगा, तटीय क्षेत्रों में दोस्तों जो टेम्परेचर है, जैसे मैदानी क्षेत्रों के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दोस्तों जो आपने पढ़ा, उसी तरह से तटीय क्षेत्रों के लिए 37 डिग्री या उससे ज्यादा का टेम्परेचर हो जाए और विचलन वहां कितना हो जाए, 4.5 डिग्री या उससे ज्यादा का विचलन हो, तो वहां भी मान लिया जाएगा कि लू वाले ये क्षेत्र में आ गया। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, तापमान वीटेप पर आधारित दोस्तों जो टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब वो कम से कम 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए टेम्परेचर, तब दोस्तों ये चीजें होती हैं। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है गंभीर वाले में, तो हमने बताई दिया आपको कि 47 में हो जाता है गंभीर वाला। ठीक है, तो दोनों चीजें और भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे का सवाल देखते हैं कि हीट वेव से आदमी की मृत्यु कैसे हो जाती है, जरा ये समझिए। ये बात अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप ना कभी हीट वेव से परेशान तो नहीं होंगे। ठीक है, बेसिक चीज समझिए कि कैसे हीट वेव से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मौसम की बात करें तो हमारे पीछे पड़ा है, जान लेने पे तुला है, बचाव करना हमारे हाथ में, जरा बेसिक समझ। ठीक है, कह रहा है उच्च तापमान अपने आप में उतना घातक नहीं होता जितना कि उच्च तापमान के साथ उच्च आर्द्रता। मैंने आपको शुरू में बताया दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये जो नमी है वायुमंडल में, ये उसकी है। अगर मौसम शुष्क होता तो दोस्तों हम 47 डिग्री सेल्सियस में भी आराम से जिंदा रहते, कोई दिक्कत ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, ये हमारे शरीर के लिए दोस्तों एक समस्या हो जाती है। कैसे समस्या है उसका जो है समाधान समझिए, पहले समस्या का ये समझिए। कह रहा है ये जो होता है हाई टेम्परेचर के साथ जो ये दोस्तों आर्द्रता बढ़ रही है, इसे दोस्तों वेट बल्ब तापमान का नाम दिया जाता है, और ये बहुत घातक होता है। लेकिन हो कैसे रहा है जरा ये समझिए। कह रहा वातावरण में उच्च नमी के कारण पसीने वाष्पित होने और शरीर को ठंडा रखने में कठिनाई होती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप आग के पास खड़े हैं, कहीं आग जल रहा है, आप गर्मी को छोड़िए, कहीं आग जल रहा है, आप उसके पास खड़े हो गए, ये गर्मी का मौसम भी, अब और गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो हम देखते हैं शरीर से पसीना निकल रहा है। ठीक है, शरीर से पसीना क्यों निकलता है? होता क्या है, जब आप किसी ऐसी वस्तु के पास खड़े होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो शरीर सोचता है नहीं, ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो शरीर स्वयं को ठंडा रखने के लिए क्या करता है, हमारे शरीर से पसीने निकलने शुरू होते हैं। वो पसीना इसलिए निकलता है कि शरीर स्वयं को ठंडा करना चाहता है। समझ रहे हैं बात को, शरीर स्वयं को ठंडा करना चाहता है, इसलिए दोस्तों पसीने निकलते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है उसका प्रभाव आपके शरीर पर न पड़े। अगर आपके शरीर से पसीने नहीं निकलते ना, फिर तो जान लो तुरंत थोड़ी सी गर्मी लगी नहीं कि तबीयत खराब। कई बच्चों को आपने देखा होगा, जो शहरी बच्चे होते हैं, लोग कहते हैं बड़ा सुकुवार है। सुकुवार मतलब क्या होता है, मतलब यानी थोड़ी सी गर्मी लगी तो दोस्तों पसीना हुआ नहीं उसको, और उसके बाद तबीयत खराब। थोड़ी सी ठंडी लगी, शरीर जो है अपने आप को गर्म कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है,
भाई शरीर के पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए ना, शुरू से डेवलप होता है कि कब हमें गर्म हमारे पास चीज़ें आ रही हैं तो हमें कैसे ठंडा रखना है, ठंडी चीज़ें आ रही हैं तो कैसे हमें अपने आप को गर्म रखना है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये तो कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हीट वेव चलता है वहाँ पहले से नमी रहती है, जब जब वायुमंडल में नमी रहती है तो शरीर को लगता है कि बाहर नमी है तो हमें अपने आप को ये पसीना निकालना ही नहीं है, तो शरीर क्या करता है दोस्तों, वहाँ से पसीने नहीं निकलता है। शरीर को समझ में आता है कि बाहर तो नमी है, जब बाहर मौसम शुष्क रहे तब तो शरीर पसीना निकाले। अब यही शरीर हो गया कंफ्यूज, हमारा दिमाग हो जाता खराब, जो मतलब दिमाग काम ही नहीं करता है, कैसे काम करे। हम हमारे पास ऐसी शक्ति थोड़ी है कि हम जो है अपना पसीना स्वयं निकाल देंगे, हैं समझ रहे बात को ना। तो ये हो जाता दोस्तों, तो कह रहा पसीने को वाष्पित होने। अब क्योंकि नमी भी बहुत ज्यादा है, अगर शरीर पसीना छोड़ भी देता है, एक तो धीरे धीरे छोड़ेगा क्योंकि वायुमंडल में नमी है, अब दोस्तों जब छोड़ भी देगा तो आपके शरीर से पसीना हटेगा नहीं। अगर मौसम शुष्क होता तो पसीना क्या होता, उस गर्म हवा की वजह से पसीना गायब हो जाता, लेकिन ऐसे समय में दोस्तों पसीना गायब भी नहीं होता, वो शरीर से वाष्पित नहीं हो पाता। ठीक है, तो दोस्तों अब शरीर जो है उसको ठंडा रखने में बहुत कठिनाई होती शरीर को, परिणाम स्वरूप शरीर का जो आंतरिक तापमान है वो अब दोस्तों तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। जो अंदर का टेम्परेचर है शरीर का ना, जब पसीना वाष्पित नहीं होगा तो दोस्तों टेम्परेचर तो बढ़ने लगेगा, धड़ 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 धड़। अब पता चला बाहर भी गर्म अंदर भी गर्म, अब भाई शरीर अपने आप को ठंडा नहीं रख पाएगा तो गर्म ही तो होगा, और जब गर्म होगा तो क्या होगा दोस्तों, ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब आदमी क्या हुआ खत्म। ठीक है, ऐसे नहीं ब्लास्ट होता है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए ही, अब एक सवाल और आ गया, सर आपने सब बता दिया, सब मेरे दिमाग में आ भी रहा, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, लेकिन सर ये हीट वेव ना बनता क्यों है। ठीक है, नॉर्मल लू रहा होता, आया होता, चला गया होता, टेम्परेचर ज़्यादा, सर ये आर्द्रता ज़्यादा होने की क्या जरूरत है भाई, पॉइंट की बात है, पहले इसको समझिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लिख रहा दोस्तों, हीट वेव रुकी हुई हवाओं के कारण जन्म लेता है, अगर हवा ना रुके ना तो हीट वेव जन्म लेगा, अगर पानी ना रुके ना तो याद रखो वहाँ गंदगी नहीं होगी और मच्छर जो अपना लार्वा नहीं पैदा करेगा, और उसके बाद दोस्तों किसी को मलेरिया टाइफाइड नहीं होगा, समझ रहे, टाइफाइड तो हल्के गंदे पानी से होता है, मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, मच्छरों से फैलने वाले रोग नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन क्या करें समस्या, अब पानी तो रुकता है हमारी समस्या है, हवा हम थोड़े रोक के रखते हैं। ठीक है, हवा तो अपने से रुक जाती है, मुद्दा यह है कि हवा रुक कैसे जाती है, हवा रुक कैसे जाती जरा उसको समझिएगा, बता रहा हूँ पहले यहाँ समझिए। लिख रहा, उच्च दबाव वाली हवा को यह नीचे की ओर ले जाती है और वह फिर जमीन के पास हवा को आगे बढ़ने से रोक देती है, नीचे बहने वाली हवा एक स्थान पर एकत्रित होकर गर्म हवा का रूप ले लेती है और यही हवा हीट वेव के रूप में चलती है। सर सही बताए ना, आपने पढ़ दिया लेकिन पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, आइए मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जब दोस्तों कहीं टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, मान लीजिए आपने कहीं का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर हवाएं कहां चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं, हल्की हो जाती है ना, हल्की होकर हवाएं ऊपर चली जाती हैं, तो दोस्तों वायुदाब जो पड़ता है, जो जमीन पे दबाव पड़ता है वो कम हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। देखिए आप ऐसे समझिए, हम धरती पे खड़े हैं तो हम जमीन पे दबाव बना रहे हैं ना, तो भैया ये वायुमंडल है पूरा, सोचो इतना वायु क्या ये जमीन पे दबाव नहीं बना रहा होगा, बना रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब जमीन गर्म होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, नीचे सरफेस जो है वो हीट है, गर्म है, तो उससे जब हवाएं टकराती तो हवा भी गर्म हो जाती है, हवा गर्म होती तो बन से जैसे आप आग छू के भाग जाते हैं वैसे सट से क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, हवा भाग जाती है छोड़ के, अब दोस्तों नीचे का जो एयर प्रेशर है वो खाली हो जाता है, लेकिन जब हीट वेव वाला केस होता है तो यहां क्या हो जाती है दोस्तों, हवाएं रुक जाती हैं। मुद्दा है हवाएं रुक क्यों जाती हैं, ये अगर रुकती नहीं हीट वेव बनता नहीं, कान पकड़ो सीधा। ठीक है, अगर हवाएं यहां ना रुके भाई, एक सिंपल सा काम है कि गर्म होंगी हवाएं तो ऊपर चली जाए तो चली जाए ना, क्योंकि हवाएं ऊपर चली जाती तो नीचे ठंडी हवा आती तो फिर दिक्कत रहता ही नहीं, हवाएं जाती रहती हवाएं आती रहती मैं से चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। ये गर्म होने के बाद गई क्यों नहीं भाई, ये इसलिए नहीं गई, इसके दो बड़े कारण है, दो बड़े कारण जो हमने बनाए हैं, कैसे चले जाए नीचे से बात करते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों शहरीकरण, ये सर अब ये शहरीकरण से क्या लेना देना, एक मिनट का समय दो दोस्तों। शहरीकरण मतलब क्या हुआ दोस्तों, वनों को काट दिया, वो तो सर पुरानी बात है, ठीक है वो छोड़िए। शहरीकरण में क्या हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, हाँ ये नई बात है समझिए। वो जो बिल्डिंग बनी दोस्तों शहरीकरण के दौरान, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है जो बिल्डिंग बन रही हैं, ये बिल्डिंग बनती दोस्तों कंक्रीट से, किससे बनती दोस्तों, कंक्रीट से बनती, कंक्रीट से बनती। ठीक है, और ये जो कंक्रीट होता दोस्तों, ये कंक्रीट बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद दोस्तों ठंडा जल्दी नहीं होता है।
ठीक है, ये जो कंक्रीट से बनी बिल्डिंगें हैं ये जल्दी ठंडी नहीं होती। तो दिक्कत दोस्तों ये हो जाती है कि दोस्तों जब सूर्य दोस्तों यहाँ क्या करता रहता है, जब ये दोस्तों बिल्डिंगों को क्या करता, गर्म कर देता है। ये बिल्डिंगें हो गई दोस्तों गर्म, ठीक है, इसके प्रकाश से दोस्तों क्या हो गई, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या हो गई दोस्तों, गर्म हो गई। अब गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा हो नहीं पाती, जो हवा आता है वो तुरंत गर्म हो जाता है। अब क्योंकि दोस्तों यहीं से गर्मी हो रही है तो गर्म होगी कितनी हवा जाएगी, तो दोस्तों चलो जो जा रही हो जा रही है। दिक्कत इस बात की कि पूरा का पूरा दोस्तों एक शहर है, इसमें कई हजार बिल्डिंगें हैं, वो सब दोस्तों हवाओं को क्या कर रही है, गर्म किए जा रही हैं। और जब वहां हवाएं गर्म हो रही हैं तो हवाएं वहीं रुक जा रही हैं, ठीक है। और दोस्तों जब हवाएं वहीं रुक जा रही हैं इसी कारण दोस्तों हीट वेव बन रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ऊपर जाने में क्या दिक्कत है, ये रुक क्यों जा रही है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जिसे हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों वैश्विक तापन, क्या कहते हैं दोस्तों वैश्विक तापन। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, तो कम शब्दों में समझाऊंगा, हालांकि बहुत बड़ा ही टॉपिक है दोस्तों। होता क्या है, ये पूरा वायुमंडल हम ऊपर देखते तो हमें लगता है खुला है, हवा तो पता नहीं कहाँ चली जाए, एकदम ऊपर जलते जाए कितने किलोमीटर, 1, 2, 5, 10, 20, 50, चाहे जितना किलोमीटर चले जाए, सर आसमान खुला तो उसको रोकने वाला कौन है। अरे ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है आसमान खुला है, आसमान खुला उला नहीं है। आसमान खुला होता तो हवाएं चली जाती, मौसम कब का ठंडा हो गया होता, ठीक है। वा ऊपर से दोस्तों बंधन है, वो बंधन किसका दोस्तों, कुछ ऐसी गैसें हैं जो क्या करती हैं दोस्तों, ऊपर से एक लेयर क्रिएट कर देती हैं, उस लेयर की वजह से हवा ऊपर नहीं जा पाती। अब उसमें क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा CFC का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है दोस्तों, ये वैश्विक तापन को बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे, तो दोस्तों सीएफसी निकलती है फ्रीज से, सीएफसी निकलती है रेफ्रिजरेटर फ्रीज, ठीक है, एसी से, ठीक है। अब जितना एसी हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, एसी से ये गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और ये जाकर एक लेयर क्रिएट करती है, उसके बाद दोस्तों उस लेयर से गर्म हवाओं को भागने नहीं देती है, ठीक है, अपनी भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। और जब हवाएं नहीं जाएंगी तो हवाएं एक जगह जुड़ जाएंगी, और जब जुड़ जाएंगी तो दोस्तों हीट वेव तो क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बेसिक जानकारी है, इसे आप समझिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इतना सा मुद्दा है, बचाव कैसे करें दोस्तों, जरा इसके बारे में सुन लीजिए, खत्म मत कीजिए बात को, सुनिए एक मिनट, ठीक है। अब मान लीजिए हीट वेव चल रहा हो तो आपको क्या करना है, पहली बात पसीना होगा, लेकिन ये पसीना वाष्पीय रूप नहीं हो रहा है, फैन चला के बैठिए। अगर आप हवा से दूर गए, हॉस्पिटल, दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरी बात क्या, ये शरीर जल्दी जल्दी पसीना बना रहा है तो भैया अंदर शरीर में पानी डालोगे कि नहीं, अगर शरीर में पानी की कमी हुई तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना नहीं बना पाएगा, और पसीना नहीं निकलेगा फिर हॉस्पिटल क्या करें बताइए, बेसिक समझिए, ठीक है। अगर पानी की कमी हुई, डिहाइड्रेशन, अपने मुंह से नहीं पियोगे, सिरिंज लगा दिया जाएगा, डॉक्टर लगाएगा सिरिंज, यहां से पानी डालेगा शरीर में, ठीक है। तो सब कुछ आपके पास है, आप क्या करना चाहते हैं आप समझिए, ठीक है। तो बचाव कैसे करना, सिंपल सा बचाव है, आप किसी ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ हवा चल रही है, वो हवा चाहे कूलर की हो, चाहे पंखे की हो, चाहे किसी वृक्ष के नीचे बैठिए, वो आपकी मर्जी है कि आपको बैठना कहाँ, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए, जितना पी सकते हैं, क्यों भाई, पसीना बनने से कोई रोक नहीं सकता, और शरीर को पसीना बनाने में पानी की कमी होनी नहीं चाहिए। पानी की कमी हुई नहीं कि पानी मुंह के अलावा और जगहों से दिया जाएगा आपको, ये मान के चलिएगा, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, हीट वेव से कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अब दिक्कत इस बात की होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो ज्ञान है नहीं कि हमको कितना पानी पीना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, उनको डिहाइड्रेशन की समस्या ज्यादा होती है, वो हीट वेव से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, उनका शरीर वैसे ही कमजोर है, ठीक है। तो कमजोर में हीट वेव तो ऊपर से दोस्तों क्लैश करेगा, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों जिसके पास बुद्धि हो, ज्ञान हो, ठीक है, वो एक काम करे, और जिसके पास ना हो उसका कोई ना कोई दूसरा मदद करे। आप मदद कीजिए, जो घर में छोटे बच्चे हों भाई, उनको ज्ञान कहाँ से होगा, उन्हें कहाँ हीट वेव के बारे में पता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, और लोगों को बताइए और जागरूक करिए कि शरीर में पानी की मात्रा हमेशा बढ़ा के रखें, और किसी खुली स्थान पर रहें, सफोकेशन वाले जगह पर बिल्कुल नहीं, ऐसी स्थान जहाँ पर हवा चलता रहे, ठीक है, चलता रहे। कोशिश कीजिए कंक्रीट वाली बिल्डिंगों से थोड़ा दूर रहने का, ठीक है, लेकिन मजबूरी है, जिनका घर ही होगा
दोस्तों शहर में वो कहाँ भाग सकते हैं, ठीक है। तो बचाव कीजिए, यही एकमात्र रास्ता है। समय बिताइए, अगले 20 साल में क्या होने वाला है ईश्वर जाने, ठीक है। अगले 20 साल में दोस्तों हम ही आप डिसाइड करेंगे। हम धीरे धीरे एसी का उपयोग करना अगर कम कर दें, ठीक है, देखिए बंद तो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बचाव करेंगे ये ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों उतना ज़्यादा कम होगा, वैश्विक तापन कम होगा, जितना कम होगा पर्यावरण उतना ज़्यादा बैलेंस रहेगा। नहीं तो एक दिन आग में झुलस के खुद ही मर जाना है, फिर क्या रह जाना है, ठीक है। चलिए, तो आने वाली जनरेशन के लिए सारी बातें ध्यान रखनी जरूरी है। सेशन दोस्तों आज का समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप आराम से समझ गए होंगे बातों को हमारी, ठीक है। न समझा पाया हो तो क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।